प्रकृतिक में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी फास्फोरस, सी हाइड्रोजन और डी नाइट्रोजन। इसका उत्तर है नाइट्रोजन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ड्यूरालुमियन, बी कासा, सी सोल्डर और डी पीतल। इसका उत्तर है कासा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी ब्रोमीन, सी तांबा और डी पारा। इसका उत्तर है ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? ऑप्शन ए उपधातु, बी गनमेटल, सी सोल्डर और डी स्टील। इसका उत्तर है सोल्डर। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ऑप्शन ए हीरा, बी कोयला, सी काजल और डी ग्रेफाइट। इसका उत्तर है हीरा। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, बी कॉपर हाइड्राइड, सी कॉपर हाइड्रोक्साइड, डी कुछ नहीं। इसका उत्तर है कॉपर ऑक्साइड। सिलिका क्या है? ये धातु है, बी उपधातु है, सी अधातु है और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपधातु। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है या धातु को किस गुणधर्म में बदलता है? ऑप्शन ए अगाध भद्रता, बी चालकता, सी सक्रियता और डी कठोरता। इसका उत्तर है अघात वर्धता। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आयरन मिश्र धातु, बी अम्लगम्ल, सी जिंक मिश्र धातु, डी पारद मिश्र धातु। इसका उत्तर है अम्लगम्ल। जस्ता के अयस्क है? ऑप्शन ए सीनावार, बी सोडियम क्लोराइड, सी बॉक्साइट, डी जिंक प्लेट। इसका उत्तर है जिंक प्लेट।